नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 22 कुरुद बस्ती के पार्षद और ग्रामवासी मंगलवार को रूंगटा कॉलेज के पास वार्ड की उपेक्षा का शिकार बताते हुए चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर जामुल पुलिस मौके पर पहुंची और काफी लंबी मशक्कत के बाद चक्का जाम समाप्त करवाया। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 22 की पार्षद अनिता साहू वार्ड में विकास कार्य नहीं होने से काफी परेशान नजर आ रही थी और यही हाल अन्य वार्ड वासियों का भी नजर आ रहा था। आखिरकार इन सभी का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा और वार्ड 22 के रहवासियों ने रुंगटा कॉलेज के पास इकट्ठा होकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर जामुल पुलिस तत्परता से पहुंची और उन्होंने बड़ी मशक्कत करके चक्का जाम की शक्ल को बदल दिया। हालांकि जितने भी देर यह मंजर चलता रहा उतने देर तक रोड में दोनों ही तरफ लंबा जाम लग गया। जामुल पुलिस ने अपनी तत्परता से आधा रोड खाली करवा दिया था, जिससे आवागमन चलता रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि मौके पर नगरपालिक निगम भिलाई की जोन आयुक्त या कोई जिम्मेदार आए और उनके सवालों का जवाब दे, और काफ़ी देर के बाद मौके पर नगरपालिक निगम भिलाई जोन 2 की कमिश्नर ईशा देशलहरे पहुंची और उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों का जवाब दिया। ईशा ने बताया कि सारी मांगें पूरी होने वाली है, जिसके लिए कार्य योजना बनाई जा चुकी है और टेंडर भी किया जा चुका है, पर वह मीडिया से मुखातिब होते समय उस बात पर चुप हो गई, जिसमें पूछा गया कि आपके द्वारा कार्यों की स्वीकृति जनता के रोड पर आने के बाद ही क्यों दी गई। साथ ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन देने पर प्रदर्शनकारियों द्वारा चक्का जाम खत्म करने की जानकारी दी। वार्ड की समस्या तो बहुत है, जगह जगह रोड नाली गड्ढा गड्ढा से हुआ है। कम से कम हम तो आवेदन देते हैं सर आयुक्त मैडम को, तो डस्ट डालो, जब बनेगा तब बनेगा, तो अभी तक डस्ट अभी नहीं डाले हैं। और सीएम कॉलेज में बच्चे लोग जा रहे कॉलेज, तो उसका एक्सीडेंट भी हुआ है, तो क्या मौत होंगे उसके से क्या करेंगे क्या? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। भिलाई नगर निगम के क्रूद वार्ड में लोगों ने रोड, बिजली, पानी और अन्य विकास कार्यों को लेकर पार्षद महोदय के नेतृत्व में चक्का जाम और प्रदर्शन किया। चक्का जाम को जो है समझाइश के बाद हटा दिया, उन्होंने रोड के किनारे खड़े होकर प्रदर्शन किया। निगम के अधिकारी और जोन आयुक्त के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो मांगे हैं उन पर जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, और साथ में अन्य जो बड़ी मांगे होंगी निर्माण कार्य या रोड वगैरह के लिए उसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस आधार पे पार्षद महोदय और अन्य वार्डवासियों ने अपनी जो अपने प्रदर्शन को समाप्त किया है और उन्होंने उसके लिए प्रशासन को 15 दिन का समय दिया। हम लोग को खेल मैदान चाहिए, हम लोग के पास खेल मैदान नहीं है, अपने प्राइवेट खेल मैदान में हम लोग खेलते हैं, उसमें बिजली पानी किसी की सुविधा नहीं है। हम लोग बिजली बिल भी देते हैं हम लोग, और उन लोग इतने साल से हम लोग आवेदन कर रहे हैं, मैदान ही नहीं मिल रहे हम लोग को, और स्पोर्ट्स की कोई सुविधा नहीं है, चाहे कबड्डी के लिए हो, क्रिकेट के लिए या खो कोई भी गेम के लिए। हाँ, पार्षद को भी बताया, सभी को बोल, पार्षद भी आवेदन कर रहे हैं, उनकी मांगे भी नहीं सुन रहे, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं। अब मैदान में हम लोग को रोड में आके चक्का जाम करना पड़ा, तब आए इतने लोग। वार्ड 22 की पार्षद अनीता साहू ने अपने और ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम करने की स्थिति को स्पष्ट करते हुए मीडिया को जानकारी दी कि एक लंबे समय से वार्ड में कई विकास कार्यों की मांग शासन प्रशासन से की जा चुकी है, परंतु शासन प्रशासन सिर्फ इन्हीं के वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं कर रहा है और इनके वार्ड को उपेक्षित छोड़ रखा है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नहीं, ऐसा ध्यान देने वाली बात नहीं है। पार्षद महोदय की लगातार मांग आ रही है रोड और नाली को लेके, मूलभूत समस्याओं को लेके, तो जैसे जैसे उनका शिकायत पत्र आता है हम लोग उसके आधार पर प्राकलन तैयार करते हैं और उसके बाद स्वीकृति के पश्चात कार्य कराया जाता है। लास्ट टाइम जैसे 10 लाख का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और उसका काम विश्व बैंक कॉलोनी में सीसी रोड बना के किया गया, रोड और नाली बनाए थे। अभी भेंट मुलाकात के टाइम पे सीएम सर 50 लाख स्वीकृत किए हैं, उसमें से 25 लाख का काम जो है वो स्वीकृति के पश्चात आज उसका वर्क ऑर्डर होगा, और 25 लाख जो है उसका भी प्राकलन तैयार करके स्वीकृति हेतु शासन को भेजा गया है, उसका भी स्वीकृति आएगा, तो उसके बाद उसका भी वर्क ऑर्डर होगा और काम कराया जाएगा। और अभी जो है सुंदर विहार कॉलोनी फेज़ 1 में 33,11,000 का कार्य स्वीकृत है सीसी रोड का, उसका भी कार्य जो है आज मैं वर्क ऑर्डर करूँगी। और दूसरा एक संस्कार विहार कॉलोनी के लोगों के द्वारा बार बार शिकायत आ रही थी, उसका भी सीसी रोड का जो प्राकलन तैयार करके उसका भी अमाउंट स्वीकृत हो गया है, तो उसका भी हम लोग मतलब जैसे स्वीकृति आएगी और उसके बाद जैसे नियम शर्तों के अधीन उसका भी काम जो है चालू कराएंगे। अब मेरा तो जैसे मैं समझ पा रही हूँ, और निगम क्षेत्र में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जोन 2 का जो क्षेत्र है, अब एक साथ तो सारे कार्य स्वीकृत नहीं हो सकते, समय समय पर जैसे
जैसे मांग आती है वैसे वैसे काम मतलब स्वीकृत होते हैं और कार्य कराया जाता है। तो मैं तो इन सभी से यही आग्रह कर रही हूँ कि मतलब जैसे इनका डिमांड है वो हमको बताएं और हम शासन को भेजेंगे। जैसे इनका एक अभी एक और डिमांड है ये CCM कॉलेज के वाले जो रोड है उसका वो चाह रहे मरम्मत, उसका भी प्राकलन हमारे द्वारा तैयार किया गया है 1,99,00,000 का, उसका भी शासन को भेजा गया है पत्र जो है, जैसे स्वीकृत होगा उस पर कार्य करवाया जाएगा। मैडम आप सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आप आज करेंगे, ऐसा क्यों होता है कि पब्लिक को सड़क पर उतरने के बाद ही उनको सुविधाएं मिल पाती हैं? मंगलवार को हुए चक्का जाम में शामिल प्रदर्शनकारियों ने एक बात साफ कर दी है कि जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो शासन प्रशासन को इससे बड़ा आंदोलन झेलना पड़ सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।